इसलिए ज्यादा देर न लगाओ और अपना दिल खोलकर दान करो। अरे भाई क्यों घबराते हो, क्या ये नहीं जानते यजमान ये त्रिवेणी धारा का स्थान है जो यहाँ पर स्नान और नहाता है वही दिल खोल कर दान भी करता है। तेरे बिना परदेश। अरे भैया यजमान के पास तो पैसा नहीं है तो फिर ये हमको क्या देगा? अरे भाई यह है भोली का समय है। थोड़ा हाँ कुछ तो दान करो। अरे भैया जब हम तो गंगा के पंडा हैं, अगर हमको कोई दान नहीं मिलेगा तो तुम्हारा ये गंगा का सम्मान निष्फल हो जाएगा। है? क्या कहा? काम निष्फल हो जाएगा। हे गंगा मैया तुम्हारी दुहाई है। हे तीर्थराज इन्होंने क्या कहा और मैंने क्या सुना? अगर कोई इनको दान नहीं देगा तो क्या उसका गंगा स्नान निष्फल हो जाएगा? हे माता यदि यही सत्य है तो व्यर्थ ही मेरे जैसे यात्री अनेक प्रकार के कष्ट भोग कर फिर तेरे द्वार आते हैं तो क्या उनका स्नान निष्फल हो जाएगा? हे माता अगर मेरे अपने माता पिता की सच्ची भक्ति है और तेरी निर्मल धारा में कुछ शक्ति है तो माता आओ और इन दुष्टों से मेरा पीछा छुड़वाओ। दर्शन दो माता दर्शन दो। तुम्हें इन पापियों की बातों में नहीं आना चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल है तुम्हें कभी नहीं घबराना चाहिए। ये पंडो के रूप में महापापी हैं जो पाप कमाते हैं और अपने इस मिथ्या कर इस तीर्थ के पवित्र धाम को कलंक लगाते हैं। अक्षमा माता अक्षमा हमारे अवगुण अक्षमा करो माता हमारी भूल को क्षमा करो। अच्छा दुष्ट आत्माओं जाओ मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ परंतु याद रखना यदि यात्रियों को इस तरह सताओगे तो बहुत पछताओगे और मेरे श्राप से महादुख पाओगे।